हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और इसी बीच हरियाणा की आवाज हमारे कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ लेते हैं। हरियाणा की आवाज में हम हर रोज इस वक्त जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। किसानों ने 26 जनवरी को हुंकार भरी थी कि वो हर जिले से एकत्र होकर ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन इसी बीच 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा होती है। तो आज हरियाणा की आवाज में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल है, कौन लेगा दिल्ली हिंसा की जिम्मेदारी और गणतंत्र दिवस पर देश और तिरंगे का अपमान क्यों? पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई कब होगी और क्यों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया? हिंसा करने वाले किसान नहीं तो फिर कौन है? कई सारे सवाल हैं और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। और आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस के दौरान किस तरह से किसान कूच कर रहे थे दिल्ली की ओर, और तय वक्त से पहले ही किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया था। लेकिन इसी बीच यहां गणतंत्र दिवस पर किसान लाल किले में पहुंचते हैं और यहां किस तरह से झंडा फहराया जाता है, और इसी बीच किसान नेताओं का यह कहना है कि देखिए यहां जो झंडा फहरा रहे थे, जो लाल किले पर पहुंचे थे, वो उनके संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। तो ऐसे में किसान नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं में यही साफ साफ देखा जा रहा है कि किसान नेताओं ने जिस तरह से पहले अपील की थी कि आंदोलन इसी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और उस दिन भी शांतिपूर्ण आंदोलन बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, भरसक प्रयास उनकी ओर से किए गए थे कि गणतंत्र दिवस के दिन जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, ये शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो और शांतिपूर्ण तरीके से ही खत्म हो। लेकिन इसी बीच कई बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई, बैरिकेडिंग किसान तोड़ते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए, और इसी बीच पुलिस को भी अपना हिंसक रूप दिखाना पड़ा, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। तो ऐसे में जो ये तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? तो ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो बवाल हुआ, इसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? तो हमारे साथ दर्शक देवेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं अंबाला से। देवेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया गणतंत्र दिवस पर जो तस्वीरें देखने को मिली और जो हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनको देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय? देवेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और प्लीज टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि इससे मेरा और आपका संवाद सही नहीं हो पाएगा। चलिए, देवेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा, तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द हो। विपिन हमारे साथ कैथल से जुड़ चुके, विपिन आप जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरी एक राय है, इसमें जो ये कल हुआ ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। इसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि एमएसपी है क्या। इसमें इसको ये नहीं पता कि एमएसपी की वैल्यू क्या है। एक लोकतंत्र की आंखों देखा बेहाल होता जा रहा है। इसमें पूरी तरह से प्रशासन को बड़ी चोटें आई। इसमें ये सारी की सारा किसान आंदोलन एक बड़ा ही हिंसक रूप ले रहा था। इसमें वो जो शरारती दफ्तर हैं, किसान हैं, सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि जो ये एमएसपी है, तीन अध्यादेश क्या है। बहुत सारे तो इसमें वो लोग आए हुए हैं जिनको इनका मतलब ही नहीं पता कि ये क्या है कृषि कानून, क्या नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ एक नागरिक होने के माध्यम से कि
ये जो कल हुआ ये इतिहास में बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विक्रम आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। देखिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच जो 12 दौर की वार्ताएं रही केंद्र के साथ वो भी बेनतीजा रही। उन वार्ताओं में भी किसान नेताओं ने केंद्र से एक ही मांग की कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि कृषि कानून कुछ वक्त तक, कुछ समय तक स्थगित किए जाएं, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को भी नामंजूर किया, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी किसानों को ये कहा गया है कि वो इन कानूनों पर स्टे लगाने के लिए जरूर तैयार हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं किए जा सकते हैं। इसरान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इसरान आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कृषि कानूनों को लेकर क्या प्रतिक्रिया, और इसी के साथ देखिए गणतंत्र दिवस के दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली, जो हिंसा हुई, उसको लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना? मेरी सोच यह है ये सारी जो साजिश है बीजेपी की है और किसानों को तो वैसे बदनाम किया जा रहा है, ठीक है जी। अगर किसान ऐसा करना होता तो 60 दिन 2 महीने से भी ऊपर हो गए, किसान ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये सारी जो साजिश है बीजेपी के लोगों की है, बीजेपी की है। और मैं इसमें जो है पुलिस वालों को भी सहन शक्ति है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, यानी कि उन्होंने ज्यादा अपनी तरफ से कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई कल नहीं की, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने मौके के एतबार से निपटारा किया, ठीक है जी। और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर किसान ऐसा करते, किसानों ने नहीं, ये बीजेपी की चाल थी जी। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे, विचार साझा कर रहे हैं। अब जिस तरह से गणतंत्र दिवस का माहौल देखने को मिला, तो इसको लेकर आगे किसान किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और इससे क्या आंदोलन जिस तरह से चल रहा है उस छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा, कई सारे सवाल हैं। इन सवालों का जो उत्तर है वो जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन सवालों पर जनता की राय, उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मार्फत हमारे साथ तमाम दर्शक जरूर जुड़े और अपने राय हम तक जरूर पहुंचे। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? सोनी जी नमस्कार। जी नमस्कार। वैसे तो मैंने आपके चैनल के माध्यम काफी पहले घोषणा कर चुका हूँ और वो घोषणा ये है कि पूरा विश्व में तमाता होगा। ग्रीन जो आपने पहले ग्रीन झंडा हो या आपने तबलीग को कितने आरोप लगाए और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई ये किसानों को पर भी दबाव लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार है ना कि आज भी है और कल भी फेल है। अब ये तिरंगे झंडे का अपमान क्यों? सारे काम चलो देखा जाएगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि बैरिकेडेड लगाएंगे और इस तरह करेंगे तो ये मतलब कोई भी हादसा हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी राफेल मिसाइल ने बंदूक की गोली कितनी दूर से मार कर सकती है और कितने निशाने बांध, आप अपने निशानेबाजों को किस लिए सिखाते हो निशानेबाज, जब इनके पास है, जब वो बंद चढ़ रहा है झंडे को लेकर, क्या सारा प्रशासन सारी पुलिस हो गई थी क्या? उसके पैरों में भी तो गोली लगा सकते थे, उसको अरेस्ट उस टाइम भी तो किया जा सकता था। ये चीजें सारी समझने की है। मैं पहले भी कह सकता हूँ अपनों को मरवा के राज किया जाता है, सिर्फ बदनाम किया जाता है, बदनाम किया पूरे मतलब हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, सबको भाई के साथ लड़ा के परिवार को बांट के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी राजनीति चमकी रहे। वो कैसे चमकी रहे कि जैसे कांग्रेस के पहले 20 वोट थे वो मुट्ठी में थे, 80 वोट बटे हुए थे, अब ये 20 वोट इनके पास थे और 80 वोटों को ये बांटना चाह रहे ताकि ये बट जाए और हम मतलब है पूरी जिंदगी करते रहते। ऐसा इतिहास में ना हुआ है ना होगा। बदलाव हमेशा प्रकृति का नियम है, इस बारे में सोचना होगा। मैं बार बार अपील कर चुका हूँ आपको, कानून भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, फेल भी कर सकता है, गलतियां भी इंसान से ही होती हैं। इस कानून को आप थोड़े ठंडे बस्ते में मोदी जी डाल के और दोबारा अध्यादेश जारी करके दोबारा बुला लेते और अपना फिर दोबारा से लागू हो जाता, कोई दिक्कत थोड़ी थी उसमें। लेकिन ये सिर्फ नाक का सवाल बना लिया इन्होंने, प्रस्टेज इसको, इसके प्रस्टेज इसो के सामने अभी और भी हालात खराब होंगे। मैं पहले भी कह चुका और अभी बता रहा हूँ आपको, बहुत विचार है इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हूँ, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राम आपका। तो क्या हिंसा से किसानों का पक्ष कमजोर होगा और गणतंत्र दिवस पर
कि अराजकता का कैसा तंत्र अब की बार देखने को मिला। पुलिस पर हमला करने वालों पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी और क्यों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा करने वाले किसान नहीं है तो कौन है, सवाल ये भी बना हुआ है। और प्रशासन की ओर से भी तमाम कोशिशें की गई थी किसानों को समझाने की, बुझाने की, और इसी बीच किसान संगठनों का भी यही कहना था कि वो जिस तरह से आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है ऐसे ही ट्रैक्टर परेड भी शांतिपूर्वक रहेगी। पृथ्वीराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, गणतंत्र दिवस के दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली इन पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, और इससे आपको लग रहा है क्या किसान आंदोलन की छवि खराब होगी? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। इस आंदोलन को और ये कल की जो घटना को देखते हुए आपको तय दिल में हकीकत दिल से बता रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है इसका अंदाजा आज विश्व लगा सकता है कि ये जो घटना हुई है मैडम जी ये एक आम घटना नहीं, ये राजनीतिक घटना है। अभी देखिए ये झंडे पे चढ़ने वाला दीप सिद्धू है, ये कैसे आया, कौन है, सबको पता है इसके बारे में। कोई भी बड़ा मीडिया चैनल इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने कपड़े झटका के बात करते हैं कि ये हमारा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो मैडम जी, जब ये आंदोलन सवेरे सिद्धू वार्ड से शुरू हुआ, जी पृथ्वीराज क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। और बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पृथ्वीराज आपका। तो सवाल कई सारे हैं, सवाल ये भी हैं कि क्या आगे केंद्र के साथ किसानों के जो बातचीत के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, और इसी बीच अगर बात 12 दौर की वार्ता की करें तो वो भी बेनतीजा रही है, कोई परिणाम निकल कर नहीं आया है। और ठीक 12वें दौर की वार्ता के दौरान केंद्र की ओर से अगली वार्ता का वक्त भी मुकर्रर नहीं किया गया। कार्यक्रम में सोनीपत से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या विचार आपके? नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहता था, देखो हिंसा हुई जो ये खाली किसानों की नहीं है मैम, ये कि किसानों ने ही ये किया है। पहली कार्रवाई मैडम जी पुलिस की ओर से, सिंधु बॉर्डर पे मैम आप देखो कि ट्रैक्टर पलटी के, आपने वीडियो, आपके पास भी वीडियो आई होगी, पत्रकारों ने आपके पास भी भेजा होगा, लेकिन वहां पे मैंने ट्रैक्टर पलटने का कारण क्या, किसी मीडिया ने क्या कारण था वो? वो कारण था मैम के वहां पे उस ड्राइवर को गोली मार दी गई, वहीं से दंगा भड़क गया मैम। किसान आपके से बाहर हो गए, क्या वहां पे पुलिस का ये देखने का नहीं था कि ये कहां से गोली चली, कहां से फायर हुआ? क्या इसमें हमारी पुलिस की भी थोड़ी गलत फहमी नहीं है, क्या गलती नहीं है पुलिस की भी कि उन्होंने पूरे अपने जो जिम्मेवारी से जिम्मेवारी को नहीं अंजाम दिया मैम? चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो सवाल यही है कि क्या ये षड्यंत्र रचा गया है इस आंदोलन की छवि को खराब करने का, और आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या किसान इस तरह से हिंसा कर सकते हैं, और अगर ये किसान नहीं है तो ये कौन है? पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई कब होगी, और गणतंत्र पर अराजकता का ये कैसा तंत्र देखने को मिला? झज्जर से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। संदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, साथ ही गणतंत्र दिवस के दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली, जो घटना देखने को मिली, इस पर आपकी क्या राय, क्या विचार, क्या प्रतिक्रिया? मैम जी बात ऐसे जो कुछ करा रही है ये जो ना अपनी वो जो बीजेपी सरकार है सब कुछ ये ही करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई उन्होंने 60-62 दिन हो लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, हमारे 80 से ज्यादा किसानों शहीद हो गए हैं, तब तक इन्होंने ऐसा कदम उठाया तो आप क्यों उठाएंगी? ये सब मैम जी ये जो कुछ करा है ये सब बीजेपी की चाल है जी, ठीक है।
चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गणतंत्र दिवस के दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली और इन तस्वीरों में जो हिंसा देखने को मिली, इससे आपको क्या लग रहा है? क्या किसान आंदोलन की छवि पर यहां नकारात्मक असर देखने को मिलेगा? और जो जन भागीदारी लगातार इस आंदोलन में बढ़ती जा रही थी, उसमें भी कमी देखी जाएगी? और सवाल ये भी, हिंसा करने वाले अगर किसान नहीं है तो वो कौन है? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आया कि बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन किसानों का 12वें दौर की वार्ता के दौरान यही कहना था कि वो किसी भी कमेटी के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इन कानूनों को स्थगित कराना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तीनों कानून रद्द हों, और जब तीनों कानून रद्द होंगे तभी वो इस आंदोलन के समापन की घोषणा कर वापस अपने गृह राज्य, अपने गांव, अपने खेतों की ओर लौट जाएंगे। तो हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाए, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश कर रहा है। इंद्रजीत फौजी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, गणतंत्र दिवस के दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली उसका, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए जो हुआ काफी निंदनीय है, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको। हेलो जी, जो कल हुआ ये बहुत ही निंदनीय है, लेकिन मैं एक बात आपको मैडम जी आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार ने ये समाधान निकालना था तो ये बात होनी नहीं थी। पहले ही ये सरकार क्यों नहीं कहा जा रही, भाई मान लो सरकार हमारे बेनिफिट दे रहे, हम चाह नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री जी आके ये कह दे भाई ठीक है तुम यो बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे, मैं अपना वापिस ले लेता हूँ, तुम अपने घर जाओ बस। तो जबरदस्ती क्यों थोप रही है हमारे को ये तीनों कानून, जब सरकार बेनिफिट दे रही है हम लेना नहीं चाह रहे, तो सरकार अपना ये वापिस कर लो बस, बात तो इतनी है। ठीक है, अभी जबरदस्ती थोप रही है हमारे पर, अब सब ये राजनीतिक चाल है, नहीं तो ये मामला बहुत पहले इतना जन से आंदोलन चला हुआ, इतनी पब्लिक सर्दी के समय बूढ़े जवान बच्चे और तो सब बैठे हुए वहां, और फिर सरकार कबूतर की तरह आग मिची बैठी हुई है, कोई बात ही नहीं कर रही, नहीं कोई समाधान निकालना चाहिए था, इस चीज का कौन समाधान निकालेगा? मेरा ये कहना है, बाकी जो जो घटना जो झगड़ा प्रसाद ये पुलिस के साथ मारपीट ये काफी निंदनीय बात है, इसमें हम कोई सहमत नहीं है, ये जमींदार नहीं हो सकते, ये किसान नहीं हो सकते। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत फौजी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, विचार साझा करने के लिए। तो 12वें दौर की वार्ता के बाद किसानों को आगे की वार्ता का वक्त भी मुक्त।